हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो गए और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो मैं आज व्लॉग शूट कर रही हूँ काफ़ी दिनों बाद, क्योंकि इतने दिन मेरे पास कुछ भी नहीं था व्लॉग में डालने को या बनाने वाला कुछ भी। तो मैं चंडीगढ़ से वापस आ गई थी। अभी चंडीगढ़ वाले व्लॉग्स भी मैंने ना एडिट करे हैं ना, अभी आप लोगों के लिए मैंने वो डाले हैं। तो फिलहाल मैं रेडी हो चुकी हूँ, क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ अपने गाँव, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से, जब से मैं मड़ाव गई हूँ, मैं गांव गई नहीं हूँ। तो फिर दादी दादू भी है, पापा भी है घर पे, तो सोचा कुछ टाइम के लिए चल जाती हूँ। कुछ टाइम के लिए नहीं, कल सुबह मैं वापस आ जाऊँगी गांव से। तो बस अभी हम तैयार हो गए हैं और अभी टाइम हुआ है 3:30, मतलब 3:30 हो गया, क्योंकि उनकी पहले ऑफिस गई थी ना। तो फिर अभी हम बस, मैं तो पूरी रेडी हो गई हूँ, देखो। अभी हम वहाँ को जाना है, वहाँ पे मैंने कितनी बार दिखा दिया पर फिर भी देख लो कि अभी हमने वहाँ जाना है। तो सो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं इधर। हमें गाड़ी मिल गई थी तो अभी जस्ट इधर पहुँचे हैं। ये देख लो, अभी बारिश हो रही थी हल्की हल्की, तो बस थोड़ा बहुत ही शूट करूँगी, मतलब ज़्यादा नहीं करूँगी। थोड़ी देर अभी घर जा कर रेस्ट करेंगे, फिर थोड़ा सा गाँव में घूमेंगे, फिर वहाँ से जाएँगे, वापिस आएंगे, फिर थोड़ा खाना वगैरह बना लेंगे, क्योंकि दादी बना नहीं सकते हैं, वो थोड़े से बीमार हैं। तो इसलिए फिर अब इधर से हम जा रहे हैं अपने घर, घर पे जाके मिलते हैं। थोड़े थोड़े आपको ये दिखा दूँगी यहाँ से जंगल के क्लिप्स एंड ऑल। खतरनाक बारिश और हम नीचे आ चुके हैं और अभी हम बैठे हैं शॉप में और ये है हमारी सबसे वेली इंसान। ये मेरी डिस्कशन कर रहे हैं अभी की, मेहनत करते तो और अच्छे होते हैं, सभी बोला था। आपको स्टार्ट करना कैसे, इग्नोर देम, आपको पता है मैं सुंदर हूँ और आप मुझे पसंद करते हो, दैट्स इट, जलते हैं मुझसे। गाइस ये व्लॉग कल जितना बना उतना देख लेना, और मैं ये जो व्लॉग है ये नेक्स्ट डे कंटिन्यू कर रही हूँ। मैं मड़ाव आ चुकी हूँ वापस, क्योंकि गुंजी का ऑफिस था तो हम जल्दी आ गए थे। तो आज थोड़ा बहुत जो हम करेंगे वो आपको दिखा देंगे। तो फिर अब आपको हम आज बनाएंगे सिड्डू, और गुंजन दीदी अभी कर रही है गुड़ को कद्दूकस। ये होता है मीठे सिड्डू जिसमें गुड़ की स्टफिंग होती है, और मैं अभी आपको उसका डो भी दिखाती हूँ। वो मैंने सिड्डू का डो जिसके अंदर सिड्डू रखे जाते हैं, और अभी मैं जा रही हूँ सिड्डू मेकर लेने। तो फिर तो गाइस हमने एक चीज़ बना ली है चटनी, और इतनी ज़्यादा अच्छी बनी, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी हम पहले मैंगो शेक बनाएंगे, फिर उसके बाद हम अपना सिड्डू बनाएंगे। देखो यहाँ पे चटनी टेस्टी टेस्टी। और तो काट लिए, अब हम इसमें दूध डालेंगे। पर फिर भी एक बार हम YouTube में देख लेते हैं कि कैसे बनता है, क्योंकि ये मैं अपने से बनाऊंगी और मुझे पता है, मुझे खुद पे कोई भरोसा नहीं है और गुंजी को भी नहीं है। तो पहले ये देख लेते हैं ना, फिर आपको। अब हम इसमें डालेंगे गाइस थोड़ी सी चीनी। अभी हम इसमें ऐड कर रहे गाइस दूध, अब पता नहीं कच्चा पक्का कैसा करते हो। काफ़ी होगा गुंजी, नहीं वो मैंगो मिल्क शेक हो गया है पूरी तरह से तैयार। टेस्ट करते हैं, पकड़ जा, स्मेल लगा दिया, और इसमें लास्ट में हमने पानी और नींबू डाल दिया। और हट तफाओ, हमारी गुड़ के सिड्डू की स्टफिंग हो चुकी है तैयार, और हमारा सिड्डू का डो भी है तैयार। तो अब हम बनाएंगे सिड्डू।
और ये फट जाएगा कुछ। और ये मेरा शेड्यू, मुझे आता है शेड्यू बनाना, मुझे काम करना भी आता है, तो प्लीज़ उससे पहले मैं बोलना कि आपको काम करना है। अब हम बाकी के शेड्यू बनाते हैं फिर आपको दिखाते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं गाइस, स्क्रिप्ट पे आप मुझे कोई ऐसे ना बोली कि मुझे काम करना नहीं आता है, मुझे बहुत अच्छा काम करना आता है और सारा काम करना आता है। मैंने इतने अच्छे सिड्डू बनाए हैं, ये थोड़ा जल गया गुंजी की वजह से, जला नहीं है ये, ठीक है ये। गाइस ये तो बन के तैयार भी हो चुके हैं, ये वाला भी ऑलमोस्ट हो गया, ये वाला रह गया थोड़ा सा तैयार। गाइस ये है नाइट का व्यू हमारे रूम से, देखो। चूरनी गाइस हम ना कूड़ा फेंकने जा रहे थे, बट वहाँ पे पहले गाड़ी में शीशा भी बैठे और वो चीखे मार देते, गुंजी भाग के वापस आई, बोलते वापस चल। तो आप ये देख लो एक बार, फिर अब मैं व्लॉगिंग एंड कर दूँगी, तो फिर मोटा भाई एज यूजुअल आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरी शक्ल को इग्नोर कर देना।